आप सभी को मेरा नमस्कार। आज है 6 जून 2023 और आज की हमारी यात्रा होने वाली है 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस। आज की हमारी यात्रा होने वाली है AC 2 टायर में और हमारा कोच है A2। ये हमारी सीट है 1, 2, 3 और 5, दो लोअर और एक साइड लोअर। ये अम्मा, ये गंगा, ये भी आपकी साइड। गंगा हाय तो बोल दे यार। अम्मा ये खोलो। अभिनंदनी मैं नहीं बस खा जा रहा मैं। हाँ, और ये अथर। चलिए बाय बाय सिकंदराबाद। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है 7 तारीख और 7 तारीख की सुबह हो रही है हमारी वाटसा में। वाटसा अभी तक हम लोग महाराष्ट्र में ही हैं और दरभंगा एक्सप्रेस गोंदिया तक महाराष्ट्र में ही रहेगी। और सुबह सुबह मैंने बल्लारशाह मिस कर दिया, सॉरी। सोना भी ज़रूरी है। बड़ा ही साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र। और गंगा कैसा है? आज गंगा ने उठाया मुझे, चलो व्लॉग लेना है, नहीं तो मैं तो उठता ही नहीं। दुनिया में चाय पी मुझे दूर है मेरे ख्याल से, टाइम लगेगा। अगेन मुझे रेलवे का सफर इसके लिए पसंद है क्योंकि रेल हमें ऐसी जगह पहुंचाती है जहां पे हम नहीं जा सकते घूमने। जैसा फ्लाइट से अगर जाएं तो सीधा हैदराबाद से टेक ऑफ करके रांची पे लैंड कर जाएं, लेकिन रेल के द्वारा हमको असली भारत देखने का मौका मिलता है। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, इसलिए चाय का अरेंजमेंट हमको खुद करना पड़ रहा है। ये अम्मा और अथर मिलके इधर केटली की चाय बना रहे हैं। अम्मा जो कि बहुत ही मुश्किल है। अम्मा तो बताओ कैसा है अम्मा, कैसा लग रहा है? अच्छा, ब्रेकफास्ट भी घर से किया हमने। अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हुआ? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या हुआ बताओ फिर लोगों को बताओ। आप सोच रहे होंगे चिकन तंदूरी। ब्रेकफास्ट में कोई नहीं खाता चिकन तंदूरी। जो आइटम सोच रहे हैं इटालियन पर रोटी सब्जी। हाँ इसको बोलना है। क्या हुआ, कैसा हुआ ब्रेकफास्ट, कैसा हुआ? अच्छा चाहिए। हाँ। वो तो नहीं मिलेगा ना इधर? नहीं उधर ही है। अच्छा ये सोच रही हूं ना, ये इसका चीज चाय होता मम्मी। हाँ हाँ। और गंगा क्या हाल है भाई? बढ़िया। कल दिन भर आज का एक दिन का खाना बनाने में गया तो पूरा काम गंगा ने किया। हेल्पर आई थी। तो महाराष्ट्र के एक और शहर गोंदिया में आपका स्वागत है। गोंदिया को राइस सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है। ये हम लोग पहली बार गोंदिया आ रहे हैं। स्टेशन काफी बड़ा है और काफी साफ सुथरा भी है। वेलकम टू छत्तीसगढ़। 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस अपने सही समय पे दुर्ग पहुंच चुकी है।
ये अभी हम लोग भिलाई स्टील प्लांट के आसपास है। हमारी गाड़ी दुर्ग से निकल चुकी है, रायपुर कुछ अराउंड 20 मिनट में आने वाला है। कैसी चल रही है यात्रा? हेलीकॉप्टर बस से साइड डोर पे आ गए आप? ये यहाँ पे ठंडी का घर, मेरे को एसी चमकता नहीं, मेरा बेटा रात भर गई मेरा, उसको इसमें सही है, बाकी सब सही है, खाना वाना घर से लाए इस बार? तो घर से ला लिए ब्रेकफास्ट, बहुत चाय भी घर से ही लाए, चाय तक घर से लाए, अच्छा लगा। बहुत प्राइवेसी जैसा दिख रहा है, टू एसी में क्लीन है, टॉयलेट भी क्लीन है इस बार। हाँ गंगा, अच्छा चल रहा है। अच्छा है, खाना वाना घर से लाए तो थोड़ा मेहनत हो गया घर में, लेकिन इधर आराम। हाँ, खाते सब लोग तो सुबह में 8 बजे नाश्ता कर लिया, पराठे वगैरह, अभी सब्जियाँ निकालेंगे पूरी, सब्जियाँ खत्म कर देंगे, अपन अपना लंच भी दिखाएंगे आज, क्या लेके आए घर से अपन दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें। अथर्व कैसा चल रहा है ट्रैवलिंग? आइए ये देखो। हाँ, कोई कंप्लेंट्स नहीं? अभिनंदनी कैसा चल रहा है? सुपर बेस्ट। अच्छा, अच्छा चल रहा है। हाँ, सुपर सुपर बेस्ट। अच्छा, सुपर बेस्ट है क्या? मजा कर रहे ट्रेन में? नहीं। तुम क्या खाया? बास्केटबॉल खेल रहे। बास्केटबॉल खेल रहे? हाँ। ये ऊपर क्या? तुम ब्रेकफास्ट क्या किया बताओ? आटा खाए। अच्छा, पॉपकॉर्न कौन खाया? मैं खाए। चिप्स कौन खाया? मैं खाए। चूड़ा कौन खाया? मैं खाए। जेली कौन खाए? मैं खाए। बहुत सारी। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में आपका स्वागत है। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस रायपुर पहुंच चुकी है 20 मिनट देरी से, इसका सही समय है 12:40 का और 1 बजे पहुंची है। रायपुर अगर आप आए तो यहां पे एक माँ कौशल्या जी का मंदिर है, वो जरूर विजिट करें। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर को हम लोग बाय बाय बोलते हैं। ये रेलवे का ऑफिस है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये रायपुर के बाद हम लोग अपना लंच कर रहे हैं और लंच में घर से हमने लाया है पराठे, भिंडी और ये आलू की सब्जी और ये हरी मिर्ची का वो। अच्छा, हरी मिर्ची दिखाओ यार, ठेसा। ये रायपुर के जस्ट बाहर करीब आधे घंटे से हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं। गंगा कैसा लग रहा है? ये डाउन वाली लाइन को येलो सिग्नल है, लेकिन यहाँ से कोई गाड़ी आई नहीं है। वेलकम टू बिलासपुर। बिलासपुर अपने दूबराज राइस और ओसा सिल्क साड़ीज के लिए फेमस है। दरभंगा एक्सप्रेस बिलासपुर करीब 1 घंटे देरी से पहुंची है और यहाँ पे इसका 15 मिनट का हॉल्ट है। क्या लिया गंगा? हाँ, अच्छा टेस्ट करके बताओ कैसी है बिलासपुर की कॉफ़ी? डार्क फैंटेसी। अच्छा, ये जो टेक्निकल हॉल्ट हुआ है अकलतरा रेलवे स्टेशन पे, मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा है, अकलतरा।
और ये पॉसिबल है इंडियन रेलवेज़ के कारण ही कि हम ऐसे ऐसे अनोखे जगहों पे आ सकते हैं। चलो बाय बाय अकल तरह। वेलकम टू रायगढ़। 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस करीब 2 घंटे देरी से रायगढ़ पहुंच चुकी है। क्या लिया गंगा रायगढ़ में? 2-3 समोसे। अच्छा चल। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आखिरी स्टॉप होगा और इसके बाद ट्रेन ओडिशा में एंटर कर जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के आखिरी स्टॉप रायगढ़ को हम लोग बाय बाय बोलते हैं। अब इसके बाद ट्रेन एंटर हो जाएगी ओडिशा। यह है झासरगुड्डा, इस ट्रेन का पहला हॉल्ट ओडिशा में। अब इसके बाद ट्रेन जाएगी रौरकेला, और रौरकेला जो कि अगेन ओडिशा में है, और उसके बाद ट्रेन एंटर कर जाएगी झारखंड। इसी के साथ हम झासरगुड्डा को बाय बाय बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, अब ट्रेन आगे बढ़ चुकी है रौरकेला के लिए। रौरकेला में आपका स्वागत है। इस वक्त बजे हैं 10:30 और 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस रौरकेला पहुंच चुकी है। ये मेरे सामने है वैग 9। रौरकेला में ट्रेन का पूरा स्टाफ चेंज हो जाएगा, लोको पायलट, टीसी, गार्ड सब चेंज हो जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन ट्रेन लेट है, करीब 2 घंटे लेट है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा। एक खास मेंशन, 17007 का AC 2 टायर का कोच बहुत ही साफ़ सुथरा था, और क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे होती रही है, और टॉयलेट्स भी बहुत क्लीन है। चलिए इसी के साथ हम लोग रौरकेला को बाय बाय बोलते हैं, और उसी के साथ ओडिशा को भी बाय बाय बोलते हैं। अब इसके बाद ट्रेन एंटर कर जाएगी झारखंड में। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन आपको हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए वाटर वेंडिंग मशीन। इसी के साथ हम लोग रांची पहुंच गए हैं। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में हमारा ये सफ़र रांची तक ही था। रांची हम लोग पहुंचे हैं 8 तारीख की सुबह 2 बजे। 3 घंटा लेट है। 3 घंटा लेट है गाड़ी, और अभी कल हम लोग निकलेंगे देवघर के लिए।